Assalamu alaikum, students of class first. Hope you all are fine. This is your SST teacher. So students, take out your SST book in front of you and open page number 30, and it's chapter number 7. What parents do for the family? यानी parents जो हमारे मामा पापा है वो family के लिए क्या करते हैं? We are a happy family. यहाँ पे आप picture देख सकते हैं, यहाँ पे मम्मा पापा और बच्चे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम हैप्पी फैमिली है. फादर एंड मदर लव अस, जो मम्मा है पापा है दोनों वो हमें प्यार करते हैं. दे लुक आफ्टर अस, वो हमारी केयर करते हैं यानी हमारी देखभाल करते हैं, हमें लुक आउट करते हैं. दे सेंड अस टू स्कूल, वो हमें स्कूल भेजते हैं इसलिए पढ़ाई के लिए, ताकि हम कुछ बन सके, कुछ सीख सके, है ना. दे बाय क्लॉथ्स एंड बुक्स फॉर अस, वो हमारे लिए कपड़े लाते हैं, हमारे लिए बुक्स लाते हैं, है ना. मम्मा या पापा दोनों लाते हैं या दोनों में से एक लाते हैं, है ना. जैसे आपको मम्मा स्कूल के लिए तैयार करती है, पापा आपके लिए कपड़े लाते हैं, बुक्स लाते हैं, तो है ना दोनों आपकी केयर करते हैं. दे प्ले विद अस एंड बाय टॉयज फॉर अस, वो हमारे साथ खेलते हैं और हमारे लिए टॉयज़ वगैरह भी लाते हैं. टॉयज़ हम कहते हैं खिलौनों को, वो हमारे लिए खिलौने भी लाते हैं. दे टेक अस टू पार्क्स, वो हमें पार्क्स में ले जाते हैं. पार्क्स पता है जो घर के पास ही नहीं होता है, छोटा सा बाग जैसा पार्क उसे कहते हैं, वहाँ पे झूले वगैरह होते हैं और पेरेंट्स आपको वहाँ पे ले जाते हैं खेलने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए. पिकनिक एंड ज़ू, पिकनिक भी आप जाते होंगे, पिकनिक्स ले जाते हैं पेरेंट्स, है ना. बहुत सारी जगह है, जैसे इस टाइम पे आप टूलिप गार्डन गए हैं, जबरवान पार्क गए हैं, या बहुत सारी जगह है. ज़ू ले जाते हैं, ज़ू पता है किसे कहते हैं, वो जगह जहाँ पे जानवरों को बंद रखा जाता है और बच्चे वहाँ पे जाते हैं विद देयर फैमिलीज, वहाँ पे देखते हैं जानवरों को. मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर, बहुत सारे किस्म के जानवर होते हैं, है ना. लाइन, टाइगर, चीता, जिराफ, हाँ बेयर होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वहाँ पे. दे टेक केयर ऑफ अस, वो हमारी केयर करते हैं, जब भी हम उनके साथ कहीं जाते हैं वो हमारी देखभाल करते हैं वहाँ पे. दे टीच अस गुड थिंग्स, वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना. जैसे अच्छी बातों में क्या आता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, और इसी तरीके से बड़ों से अच्छे से पेश आना चाहिए, छोटों से मोहब्बत से पेश आना चाहिए, सबको सलाम करनी चाहिए. तो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, या जो भी कोई बड़ा दिखे उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये चीज़ें कौन सिखाता है, ये पेरेंट्स सिखाते हैं अपने बच्चों को. और पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों को, है ना. आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं, आपको स्कूल भेजते हैं, आपके लिए टॉयज़ लाते हैं, आपको पिकनिक ले जाते हैं, आपको ज़ू ले जाते हैं, पार्क में खेलने के लिए ले जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो हमने पढ़ा आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़, एंड रिवाइज दिस चैप्टर एट होम. अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड.